हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं कि अगर आप जो है सऊदी अरबिया में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करते हो किसी भी बैंक का, तो आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आईडी से जो है रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपका एकामे से जो है वो मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है और ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करते हो, तो आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा किसी भी बैंक का। तो आप कैसे अपने मोबाइल नंबर को अपने आईडी से जो कि एकामा से रजिस्टर कर सकते हो, इसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने एकामे से एक नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का जो है आप सिम कार्ड ले लीजिएगा अपने एकामे पे, और उसी मोबाइल नंबर को आप अफसर अकाउंट में यूज कीजिए, अफसर अकाउंट उससे बनाइए, और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आप बड़ी आसानी से जो है अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो किसी भी बैंक का। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है मैसेज आया था कि भाई जो है मेरे ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है आ रहा है वार्निंग। तो उसमें लिखा था साफ साफ कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आईडी से रजिस्टर नहीं है। तो बहुत लोग जो है ना ये गलती करते हैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम में, लोग ध्यान नहीं देते हैं बहुत सारे लोग, और अपना मोबाइल नंबर जो है जो डालते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम में, वो मोबाइल नंबर जो है ना उनके आईडी से रजिस्टर नहीं होता है, तो इसीलिए ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो आई होप समझ गए होंगे कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और ऑनलाइन किसी भी बैंक अकाउंट का ओपन कर रहे हैं, तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर आपके आईडी से रजिस्टर होना चाहिए। तो चलिए हेल्प करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।